नमस्ते बच्चे, आज के कक्षा में हम कन्नड़ा के महान कवि कुवेंपु से लिखित ओडवेगळु तथा इसे हिंदी में अनुवादित गहने के बारे में अध्ययन करेंगे। कन्नड़ा के महान कवि कुवेंपु के कविता को हिंदी साहित्य में परिचित कराने हेतु इस कविता का चयन किया गया है। अभी हम कवि परिचय के ओर जाएंगे। कुप्पल्ली वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा 20वीं शताब्दी के महान कवि थे। वे कन्नड़ा भाषा में ज्ञानपीठ सम्मान पाने वाले 8 व्यक्तियों में प्रथम थे। उनको साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में सन 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आप मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में कन्नड़ा भाषा के प्राध्यापक एवं प्राचार्य भी रहे। प्रमुख रचनाएं: रामायण दर्शनम महाकाव्य, चित्रांगदा खंडकाव्य, कोळलु, कोगिले मत्तु सोवियत रश्या, नविलो, पक्षिकाशि, पांचजन्य, कलासुंदरी, प्रेम काश्मीर, चंद्रमंचके बाचकोरी, इक्षगंगोत्री आदि कविता संग्रह। कानूरु सुब्बम्म हेग्गटति और मलेगळल्ली मधुमगळु उपन्यास है। सन्यासी मत्तु इतरे कथेगळु कथा संग्रह। बेरळिगे कोरळ, रक्ताक्षि, बिरुगाळि आदि नाटक। बोम्मनहळ्ळिय किंदरि जोगि बालसाहित्य। रामायण दर्शनम महाकाव्य पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से विभूषित किया गया है। अनुवादक का परिचय: डॉक्टर एम विमला का जन्म 16 मार्च 1955 में हुआ। आपने 1976 में MA हिंदी तथा 1982 ईस्वी में PhD की उपाधि प्राप्त की। आप बहुभाषी विदुषी हैं। आपने अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इस कविता में कवि कुवेंपु जी माँ और बेटी के प्यार को दर्शाए हैं। माँ का प्यार अनंत और वर्णनातीत है। कहे इसे मैंने सुना था कि भगवान सभी भक्तों के पास एक ही समय पर नहीं जा सकते, इसलिए माँ का सृष्टि किए। माँ हमेशा अपने बच्चों के बारे में ही सोचती विचारती रहती है। वह सोचती है कि मेरी बेटी या बेटा ही इस संसार में सुंदर और बुद्धिमान होना चाहिए। माँ बेटी के संवाद को गहने कविता में दिया गया है। अभी हम कविता का वाचन करेंगे। सोने के गहने क्यों कर माँ, तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, मिट्टी में केले नहीं देते माँ। ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर यूँ कहती हो, सुंदर लगे किसको कहो माँ। देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। मेरा यह बचपन तुम्हारा मातृत्व, ये ही गहने हैं मेरे लिए माँ। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ। पहले पद्य भाग के ओर जाएंगे। माँ अपनी बेटी सुंदर दिखने के लिए नए रंगीन कपड़े और सुंदर सा गहने पहनवाती हैं। तब बेटी माँ से पूछती है कि माँ, ये सोने के गहने क्यों पहनाती हो, ये मुझे तकलीफ देते हैं, ये सब मुझे नहीं चाहिए माँ, ये सुंदर सा रंगीन कपड़े भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मिट्टी में खेलने नहीं देते, ताकि कपड़े गंदे हो जाएगी। महंगे गहने और कपड़े पहनवा कर चोरों के भय से तुम मेरे इर्द गिर्द में ही रोनती रहती हो। ये सभी पहनकर मैं बच्चों के साथ खेल नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे रंग बिरंगे कपड़े और सोने के गहने नहीं चाहिए। दूसरे पद्य भाग की ओर जाएंगे। ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर यूँ कहती हूँ, सुंदर लगे किसको कहो माँ। देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। नए नए कपड़े और सुंदर गहने पहनवाने के कारण माँ बेटी से पूछने के समय त
तब माँ कहती है, तुम बहुत सुंदर दिखना है इसलिए पहनवा रही हूँ। तब बेटी कहती है कि माँ मैं किसे सुंदर दिखना है, बोलो माँ। तुम सच बोलना है माँ, देखने वालों को या तुम्हें सुंदर दिखना है। सुंदर से चीज़ों को देखने वाले देखकर आनंदित हो जाते हैं, परंतु मुझे बड़ा बंधन महसूस हो जाता है माँ। देखने वालों को आनंद दिलाकर कुछ लाभ मिलता है क्या? देखने वाले खुशी से झूम उठते हैं, परंतु मुझे मेरे बचपन को ही छीनने का अनुभव होता है। इसलिए माँ ये रंग बिरंगे कपड़े और सुंदर सा गहने मत पहनाओ। आप सभी को मेरा विवरण पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि मेरे सारे पाठ का विवरण आप तक पहुंचना है। अभी हम तीसरे पद्य भाग की ओर जाएंगे। मेरा यह बचपन तुम्हारा मातृत्व, ये ही गहने हैं मेरे लिए माँ। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ। अयो माँ, मेरा यह बचपन और तुम्हारा मातृत्व को देखने वाले इज्जत नहीं देते माँ। मेरा बचपन और तुम्हारा मातृत्व, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गहना है माँ। मैं तुम्हारे लिए गहने और तुम मेरे लिए गहने बने तो अन्य गहनों की जरूरत ही क्यों चाहिए माँ, कहो माँ। इस तरह कवि कुवेंपू जी बचपन और मातृत्व को पूरे दुनिया में से ही सुंदर सा गहना संबोधित करते हैं। धन्यवाद।